हे यो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं द डॉल शॉप। आज है पार्ट नंबर 5, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस पिछली बार हम लोग यहाँ तक आ गए थे शायद गेम में, और हम बाहर आ गए थे यहाँ से, और ये सब चल रहा था। देखिए डायलॉग यहाँ पे, अ गुड बाथ ऑलवेज मेक्स मी हंग्री। ओके, भाई को भूख लग गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी पता नहीं। शायद हमें रामेन शॉप में जाना चाहिए या घर जाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, हम चलते हैं वो वाले रेस्टोरेंट में जहाँ पे हम पिछली बार गए थे, और कुछ खाना वाना उठा लेते हैं वहाँ से, तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। क्योंकि इसने अभी बोला है भाई भूख लगी है, तो ठीक है भाई चलो खा लेते हैं, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर घर तक जाकर फिर मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इन सब गेम की यही बात है भाई कि काफ़ी स्लो इसमें मोशन होता है और काफ़ी टाइम ले लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ओके, तो आ गए हैं हम रेस्टोरेंट में, तो बुलाते हैं ओनर को। आ गया भाई, डरावना कहेगा। यू लुक लाइक यू आर इन अ गुड मूड टूडे। हाँ भाई मूड तो अच्छा है। आई हैव मेट समवन, किसी से मिला है। द सातो गर्ल, ओ इसको कैसे पता चला भाई? हाउ डिड यू नो? इट्स रेयर टू हैव अ न्यू कमर, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा, इनके गांव में ज़्यादा लोग आते नहीं होंगे ना, तो नहीं आई है तो सब उसके बारे में बात कर रहे हो। ओके, लेट्स सेलिब्रेट द यूजुअल। हाँ भाई द यूजुअल, यूजुअली एक्सेलेंट चॉइस। ओके, यूजुअल वाले लेके आ जाओ भाई। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सीन अचानक से शिफ्ट हो गया यार, समझ नहीं आ रहा। ये तो अपना कमरा लगता है, बटरफ्लाई वाला। अबे ये क्या हो रहा है? सॉरी आई एम लेट अगेन, आई हैड वर्क टुडे, अ ब्रोकन डॉल दिस टाइम, अ रियल रैक। हाँ भाई वो तो काफ़ी बुरी तरह से टूटी हुई थी। यस इट्स सैड दैट पीपल डोंट टेक केयर ऑफ देयर डॉल्स। डू यू रिमेंबर मिसेस सातो? हर ग्रैंड डॉटर इज हियर, शी इज चेंज सो मच दैट आई डिडेंट रिकोगनाइज हर, बट शी इज केप्ट हर टेम्परामेंट, यू वुड लाइक हर आई थिंक। ओ भाई ये पुतले से बात कर रहा है भाई, मतलब आई एम ग्लैड यू आर टेकिंग इट वेल, आई वॉज अफ्रेड यू वुड बी जेलस। अरे यहाँ पे एनी वे देयर इज नथिंग टू फियर, शी लिव्स ओवर इन टाउन, शी विल बी गॉन सून। भाई आई होप शी विल स्टे अ लिटिल बिट लॉन्गर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर टू यू। ठीक है, समझ आ रहा है मुझे केस थोड़ा थोड़ा। भाई ये बंदा जो अपना मेन कैरेक्टर है, ये मेरे ख्याल से ये पुतले से बात कर रहा है, और ये पुतला कोई आम पुतला नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ गड़बड़ है, और जो कि अभी तक राज है। थर्ड डे, ओके तीसरे दिन तक आ गए हैं हम। इस पुतले के बारे में काफ़ी कुछ शायद अभी जानना बाकी है, और ये इससे बातें क्यों करता है और ये सब, और मेरे ख्याल से इसको अपना रोमांटिक पार्टनर की तरह कंसिडर कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, मेरा अंदाज़ा सही निकलता है या नहीं, देखते हैं। ओके, तीसरा दिन, ऑल राइट, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके आ गई भाई, इज़ एनीवन होम? हाँ होगा भाई, घर पे ही होगा। आ गया देखो भाई अपना। ओ हेलो, ये हमेशा ऐसे ही रहता है क्या, आधी नींद में? एम आई टू अर्ली? सॉरी, इट्स ओके, आई हैव बीन ट्रबल स्लीपिंग लेटली। ओके, आई हैव बीन क्या, आई हैव बीन हैविंग ट्रबल स्लीपिंग लेटली। अच्छा, सोने में दिक्कत हो रही है। ओ मी टू, आई हैव बीन हैविंग स्ट्रेंज ड्रीम्स। अच्छा, नाइटमेयर्स? नॉट रियली, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ अ डार्क रूम विथ रेड वॉल्स। अरे डार्क रूम विथ रेड वॉल्स, एंड दैट्स इट, आई जस्ट स्टैंड देयर इन द डार्क अंटिल आई वेक अप। भाई ये तो काफ़ी अजीब बात है, मतलब आई एम नॉट श्योर हाउ टू इंटरप्रिट इट। ठीक है, तो दीदी को सपने अपने आते हैं और बता नहीं पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस है, ड्रीम्स ऑफन हैव नो मीनिंग, डोंट ट्रस्ट देम, और दूसरा है समटाइम्स ड्रीम्ड एक्ट एज अ वार्निंग मैसेज, यू शुड पे अटेंशन टू देम। मेरे को ना भाई, वैसे तो गेम के हिसाब से मैं पहला ही चूज़ करना चाहता था, लेकिन मैं अपने पर्सनल प्रेफरेंस पे जाऊँगा। मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सपने आपको वार्निंग मैसेजेस देते हैं, तो पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, लेकिन हम इसको चूज़ करेंगे। आई सपोज वी ऑल हैव अ डार्क साइड। अरे ये कहाँ से बात निकली भाई, डार्क साइड? सो दिस इज़ योर वर्कशॉप? हाँ भाई यही है वर्कशॉप।
आई थिंक आई हैव बीन हियर बिफोर व्हेन योर फादर वॉज रनिंग इट। अच्छा, पुश्तैनी दुकान है हमारी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम देन। हाँ, लुक आई बिग क्या लिखा, आई बिगैन बाई ग्लूइंग द फेस बैक टुगेदर, फॉर्चुनेटली नन ऑफ द शार्ड्स वेयर लॉस्ट। अच्छा, तो फेस वेस जोड़ दिया है, कुछ घुमा नहीं है, ठीक है। नाउ आई हैव टू इरेज द क्रैक्स, ठीक है भाई। आई नीड टू केयरफुली सैंड द ग्लू, देन आई विल पेंट द फेस अंटिल देयर आर नो लॉन्गर एनी मार्क्स। ओके, इट्स अ डेलीकेट जॉब। हाँ भाई, सही बात है, काफ़ी डेलीकेट जॉब। बट डोंट वरी, शी विल बी बैक ऑन हर फीट इन नो टाइम। ओके, ये थोड़ा सा उसको रियल पर्सन की तरह रेफर कर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। ओके, यू स्पीक अबाउट डॉल्स, देखो मेरे को लग एज इफ दे वेयर अलाइव। हाँ, इसको भी सेम चीज़ लग रही है, आदमी क्रीपी है भैया, मतलब मेन कैरेक्टर थोड़ा क्रीपी तो है। दे आर अलाइव इन अ वे, या फिर डू यू फाइंड दैट स्ट्रेंज। भाई वैसे तो पहला वाला ही थोड़ा नॉर्मल जवाब रहेगा, लेकिन दूसरा वाला अगर मैं क्लिक करूँ तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो मैं दूसरा वाला क्लिक करता हूँ। नो, इट्स जस्ट दैट आई एम अ लिटिल बिट वरीड अबाउट यू। ओके, डॉल्स कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियसली दे नो हाउ टू लिसन, दे डोंट जज। अरे ये काफ़ी लोनर आदमी लगता है भाई, मतलब पीपल आर ऑफन क्रूएल। ओके ओके, भाई की साइकोलॉजी समझ पा रहा हूँ मैं। आई अंडरस्टैंड, इट्स बीन डिफिकल्ट इन टाउन एज वेल, माई कलीग्स, माई बॉस, समटाइम्स आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर, आई वॉन्ट टू लॉक माई सेल्फ इन माई रूम एंड नेवर लीव। तो भाई इनके थोड़े मेंटल इश्यूज हैं, इनको देखकर पता ही चल रहा है, इनकी बातें सुन के। वैसे आजकल सभी को होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इनका थोड़ा अलग लेवल पे है, देखते हैं क्या है आगे। आई एम ग्लैड यू केम बैक, यू हैव टू सेक्रीफाइस टू मच टू लिव ओवर देयर, या फिर हम बोल सकते हैं देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव्स टू मेकअप फॉर इट। हाँ, सेकेंड वाला सही लग रहा है, देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव्स टू मेकअप फॉर इट। इट्स अ यूनिक एटमोसफियर, एवरी थिंग मूव सो फास्ट लाइक अ रिवर कैरिंग यू अलॉन्ग विद द करंट। ये हमेशा भाई, ये दीदी काफ़ी मतलब अनरिलेटेड टॉपिक्स लेके आ जाती है बिल्कुल कन्वर्सेशन में, मेरे को समझ नहीं आता भाई बात क्या चल रही। तो इट्स फ्राइटनिंग एंड एट द सेम टाइम एक्साइटिंग। मेरे ख्याल से ये अपने जॉब वाले मतलब शहर की बात कर रही है क्या, क्या समझ नहीं आ रहा है। बट आई मस्ट बी बॉदरिंग यू विद माई स्टोरीज, आई विल लीव यू टू वर्क। हाँ वैसे दीदी आप कन्फ्यूज तो कर रही हैं, पर ठीक है, देखते हैं मेन कैरेक्टर की क्या मर्जी है। आई विल सी यू आउट। ओके, तो कुछ है ही नहीं, मतलब जाना ही है इनको, ठीक है छोड़ के आते बाहर भाई। ओके चलो चलो, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर आई विल सी द डॉल व्हेन इट्स फिनिश्ड। ओह, ये क्या बोल दी दीदी, ये तो थोड़ी सी अजीब बातें बोल रही है दीदी जी। देखिए क्या बोल रही है कि डॉल को देख नहीं पाएगी जब इसका पता नहीं, छोड़ो मैं अभी कुछ बोल दूंगा शायद स्पॉयलर का काम कर जाए। आई विल लीव टुमारो। ओह अच्छा अच्छा, ये कल जाने वाली है तो शायद ये डॉल को पूरा होते हुए नहीं देख पाएगी। सो सून आई होप यू वुड स्टे लॉन्गर, आई अंडरस्टैंड देर इजेंट एनी फ्यूचर इन द विलेज। तो क्या किया जाए दोनों में से, मेरे ख्याल से है पहला वाला थोड़ा हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा अफेक्शनेट आंसर रहेगा पहला वाला, तो मैं पहला वाला चूज़ करता हूँ। आई हैवन्ट डिसाइडेड येट, आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। अच्छा, यहाँ रहने के बारे में रुकना पड़ेगा या क्या, हमेशा भाई ये बिना कॉन्टेक्स्ट का लगता है मुझे इसका हर जवाब, पता नहीं। यू शुड टेक अ वॉक टू द श्राइन। श्राइन यानी यहाँ का वो टेम्पल टाइप जगह, शायद उसी को श्राइन कहते हैं, तो सही बात है। इट्स क्वाइट देयर, आई गो देयर समटाइम्स व्हेन आई नीड टू फोकस। सही बात सही बात, दैट्स अ गुड आइडिया। आई कांट स्टैंड सेइंग स्टेइंग इनसाइड एनीमोर। अच्छा, अंदर रहने में दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है, आई विल बी लीविंग, ऑल राइट, गुड बाय गुड बाय गुड बाय। ये भी काफ़ी अजीब थी यार, यहाँ पे हर कैरेक्टर काफ़ी अजीब है ये। अरे वापस आ गए, मे बी वी कैन मीट समवेयर टुनाइट। ओहो, रात को मिलने का ऑफर, ठीक है देखते हैं। अ फेयरवेल डिनर आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू आस्क। पहला वाला सही लग रहा है, पहला वाला लेते हैं, फेयरवेल डिनर पूछते हैं। डोंट बी सो नेगेटिव, एनी थिंग स्टिल पॉसिबल। ओके ओके ठीक है, मतलब इसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि जा रही है कि नहीं। ओके ठीक है, आवर चॉइसेस आर वॉट शेप आवर लाइव्स, वुडंट यू से। हाँ बिल्कुल सही, यू आर राइट, आई एम सॉरी। इज रामेन ओके, दे सर्व अ गुड वन नियर द स्टेशन, दैट शुड बी परफेक्ट। हाउ अबाउट 6 PM, चलो देखते हैं टाइम है कि नहीं अपने पास।
आई बी देयर, ऑल राइट, चलो, वर्क हार्ड, ओके ओके, एंड डोंट ब्रिंग योर डॉल्स, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, ओके, ठीक है भाई, ऑफ कोर्स, सी यू टुनाइट, ये तो ठीक है, डॉल्स को नहीं ले जाना है, वैसे भी क्यों ही ले जाएगा भाई अपना, ओके, ये डॉल का काम रह गया था, तो कर लेते हैं, आई विल बी एबल टू रिमूव द एक्सेस ड्राइड ग्लू बाय सैंडिंग इट डाउन केयरफुली, ओके, तो यहाँ पे इफ आई वर्क फास्ट एंड हार्ड आई कैन ब्रिंग हर द फिनिश डॉल टू नाइट, ओके ओके, पर भाई उसने तो बोला था कि डॉल मत लेके आना, अब ये बंदा डॉल फिनिश करके लेके जाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो देखते हैं, ये सैंड पेपर है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे शायद काम आएगा, ओके, इसको हमको ये सारे जो लाइंस हैं इनको घिस के मिटाने हैं, तो इनको मिटा देते हैं जल्दी से, ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके ओके, ये भी हो गया, ओके, वैसे काफ़ी मतलब अजीब बात है कि ये डॉल्स के हमको एक्स्ट्रा पीसेस मिले हैं जो कि इस डॉल के ही नहीं हैं, तो काफ़ी सोचने वाली बात है वैसे, पर उस बारे में शायद ये अपना मेन कैरेक्टर अभी सोच नहीं रहा, क्योंकि ये डिनर विनर की बात बीच आ गई है बीच में, तो शायद उस बारे में सोच नहीं रहा, शायद वहाँ पे कोई मिस्ट्री होगी, मुझे लगता है कुछ तो कुछ गड़बड़ तो है वहाँ पे, तो ठीक है, हम पहले इसको साफ सफाई कर लेते हैं इसका बरोबर, फिर देखेंगे आगे, ये लास्ट वाली लाइन हो क्यों नहीं रही यार, लास्ट वाला जगह हो नहीं रहा है, ओके हो गया, इट वेंट वेल, ऑल राइट, आई जस्ट हैव टू ऐड अ फाइनल लेयर ऑफ वाइट एंड ओ आई एम शॉर्ट ऑफ वाइट, आई न्यू आई वॉज फॉरगेटिंग समथिंग, अरे सफ़ेद कलर नहीं है अपने पास, आई विल हैव टू चेक इफ दे हैव सम वाइट इन द स्टॉक एट द ग्रोसरी स्टोर, ये वाइट कलर की बात कर रहा है या क्या, मेरे ख्याल से तो मोस्ट प्रोबेबली कलर की बात कर रहा है, देखते हैं, ग्रोसरी स्टोर के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि भाई उनके पास वाइट कलर है कि नहीं,